हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के द्वारा इंप्लीमेंट करने की सीरीज में हम देख रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट इन सी लैंग्वेज। ये पार्ट टू है, चार पार्ट्स की मैंने सीरीज बनाई हुई है जिसमें हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो उसको ज़रूर पहले आप देख लीजिए जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। अब बात करते हैं स्टैक की। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट का, या उल्टा भी बोल सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट का, ठीक है। तो स्टैक को आप ऐसे विजुलाइज करिए कि ये एक ऐसा मेमोरी रीजन है जिसमें आप वैल्यूज रखते जा रहे हैं, और इसको आप एक कंटेनर मानिए जिसमें ऊपर की साइड से ओपन है। तो मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा तो इसमें इस तरीके से रखूँगा। तो जैसे मुझे कुछ लिस्ट आइटम्स रखने हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इस तरह से मुझे ए रखना है, इसमें बी रखना है, सी रखना है। तो ए जब मैं इसमें रखूँगा ना, तो ए सबसे नीचे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर जब मैं इसमें बी रखूँगा ना, तो बी उसके बाद उसके ऊपर आके स्टोर हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे विजुलाइज करना है कि ये ऊपर से मैंने डाला और ये नीचे जाके सेटल हो गया। तो जो टॉप में रखा हुआ है बी, अब अगर अगली वैल्यू रखूंगा तो बी के ऊपर ही आएगी, दैट इज सी। अब मुझे बताइए सबसे लास्ट में आपने कौन सी वैल्यू रखी है, दैट इज सी। हम एक टॉप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाते हैं। टॉप एक वेरिएबल है जो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिससे कि क्या हुआ कि हमें ये पता चल जाता है कि लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट की गई है वो कहाँ पे रखी हुई है। तो टॉप जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे लास्ट वैल्यू रखी हुई है। अभी होगा ये कि अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ऊपर का ही साइड ओपन है, और अब मैं जब वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले तो वही वैल्यू निकाल पाऊंगा जो टॉप में रखी हुई है, दैट इज सी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आपने रखा था सी, फर्स्ट आउट वो सबसे पहले निकलेगा। ये प्रिंसिपल है जिसको आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए, कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज को आपको रखना है, ठीक है, ए बी सी, ये क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लेकिन लिस्ट को स्टोर करने का अभी आपने देखा तीन तरीके हैं, एरे है, डायनेमिक एरे है और लिंक लिस्ट है, है ना। तो हम इन तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि नहीं, हमारी एक खास रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लिस्ट में लास्ट इन फर्स्ट आउट ही चाहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि जो सबसे लास्ट में रखा है उसी को सबसे पहले प्रोसेस किया जाए, उसी को सबसे पहले निकाला जाए। अब ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम सिंपली एरे या डायनेमिक एरे या लिंक लिस्ट बनाएंगे ज़रूर, लेकिन उस पर कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करेंगे ताकि हर कहीं से वैल्यू निकाली ना जा सके और हर कहीं पर वैल्यू रखी ना जा सके। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के तो डेफिनेटली तीन तरीके हमारे पास हैं, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आज लिंक लिस्ट की मदद से। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके, या तो मैं एरे की मदद से बनाऊं, या डायनेमिक एरे की मदद से बनाऊं, या लिंक लिस्ट की मदद से बनाऊं। तो मैं आज बना के बता रहा हूं इसको लिंक लिस्ट की मदद से। तो उसको भी समझ लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो एक लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंटर होता है। तो ये मैंने स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाया, और इनिशियली इसमें नल स्टोर होगा, इसका मतलब कि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब जैसे मुझे स्टैक में वैल्यू रखनी है ए, तो ए रखने के लिए मैंने एक नोड बनाया, ठीक है, और उसमें ए रखा, और अभी वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा और स्टार्ट उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। ये पहला नोड आपका क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए आपने एक और वैल्यू इंसर्ट करनी चाहिए, दैट इज बी। तो मैं लिंक लिस्ट में जब ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं तो मैं लिंक लिस्ट में शुरुआत में भी नोड को इंसर्ट कर सकता हूं, आखिरी में भी इंसर्ट कर सकता हूं, और बीच में भी इंसर्ट कर सकता हूं। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं तब हम ये तीनों तरह के काम करेंगे, कहीं पर भी इंसर्शन और कहीं से भी डिलीशन पॉसिबल है। जब हमने लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स बनाए तो उसमें ऐसा किया भी है, लेकिन फिलहाल लिंक लिस्ट की मदद से स्टैक को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए लिंक लिस्ट में जो फ्रीडम्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि हर कहीं पर इंसर्शन नहीं होगा, बल्कि मैं लिंक लिस्ट में ऑलवेज स्टार्ट में ही इंसर्शन करूंगा, यानी एक ही एंड पर इंसर्शन और डिलीशन करने वाला हूं। नॉर्मली क्या होता है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन आप चाहे शुरुआत में करें चाहे लास्ट में करें, तो आप इंसर्शन किसी भी एंड पर कर सकते हैं,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो किसी एक एंड पर ही सारे काम करें, इंसर्शन भी डिलीशन भी। तो मैंने कहा कि हमेशा इंसर्शन मैं एक एंड पे करूंगा। अब वो एक एंड शुरुआत वाला भी हो सकता है और आखिरी वाला भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आखिरी वाला होगा तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि हर बार जब मैं नई वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मुझे ट्रैवर्स करते हुए लिंक लिस्ट के आखिरी नोड तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम नहीं बनाया है तो इस स्टैक का प्रोग्राम देखना भी नहीं चाहिए, पहले लिंक लिस्ट का ही देखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लिंक लिस्ट में अगर मुझे आखिरी में एक नया नोड इंसर्ट करना है तो मुझे एक एक करके सारे नोड्स को ट्रैवर्स करते हुए जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी पॉइंटर मैनिपुलेशन होता है, और तब जाके आखिरी नोड का एड्रेस मुझे मिलता है और तब जाके मैं आखिरी नोड के बाद एक और नया नोड इंसर्ट कर पाता हूँ। लेकिन अगर मुझे शुरुआत में ही एक नोड को इंसर्ट करना है तो मेरा एफर्ट्स बहुत ईजीली मैं बना लेता हूँ, एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्ट पॉइंटर में ही उस नए नोड का एड्रेस रखना होता है और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन अपन करते हैं, नए नोड में उस नोड का एड्रेस रख लेते हैं जो अभी तक पहला नोड था। इसका मतलब मैं एक नया नोड बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया नोड बनाया जिसमें मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो नया नोड बना लेता हूँ, ठीक। दूसरी वैल्यू जो मुझे स्टैक में रखनी थी वो थी बी, तो मैंने वो इसके अंदर रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बी वाला नोड है ये अभी तक लिस्ट में जो पहला नोड था उसको पॉइंट करने लगेगा। तो होगा ये कि ये जो पहला वाला नोड, अभी तक जो पहला वाला नोड था, ये सेकंड नोड बन जाएगा और ये जो बी वाला नोड है ये फर्स्ट नोड की तरह आ जाएगा, ठीक है। और ये पहले वाले नोड में जो पॉइंटर होगा वो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन तो किया लेकिन शुरुआत में किया, लिंक लिस्ट के एक ही एंड पे हम इंसर्शन और डिलीशन करने वाले हैं और वो होगा शुरुआत वाला एंड, स्टार्टिंग से। अब मान लीजिए मुझे एक और नए नोड की ज़रूरत है क्योंकि मुझे सी इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो मैंने एक और नोड बनाया और अब इसको स्टैक में रखना चाहता हूँ, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट का अभी पहला नोड है दैट इज बी, उस नोड को ये सी पॉइंट करने लगेगा ताकि ये सेकेंड नोड बन जाए और फिर स्टार्ट सी वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो होगा ये कि ये बी और ए शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो सी है ये आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, और ये पॉइंट करने लगा है बी को। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन कहाँ किया, शुरुआत में ही किया हर बार, और ये नतीजा है उसका। अब जब डिलीशन करना है तो भी मुझे स्टार्टिंग में जो नोड है उसी को डिलीट पहले करना है, यानी सबसे पहले कौन डिलीट होगा, सी। तो इसीलिए ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट हो पा रहा है। तो ये अब हमें कोडिंग के द्वारा करना है। अब आइए देखते हैं, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कोडिंग करने के लिए हम लोग बना रहे हैं स्टैक एडीटी, है ना, यूजिंग लिंक लिस्ट। स्टैक एडीटी, एडीटी का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी मैं अभी डेटा टाइप का एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बना रहा हूँ जिसमें मुझे दो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है। पहली चीज़ है वो डेटा स्ट्रक्चर जिसको मैं यूज़ करूँगा, यानी मेमोरी का कॉन्सेप्ट, मेमोरी में क्या क्या होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे रखनी होगी। और दूसरी चीज़ होती है सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करूंगा। तो स्टैक एडीटी को बनाने के लिए मुझे कैसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, पहले मैं इसकी बात करता हूं, उसके बाद मैं सेट ऑफ ऑपरेशंस की बात करता हूं। और यहां पर मैं ऑपरेशंस को कोडिंग के द्वारा डिफाइन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऑपरेशंस के नाम लिख रहा हूं कि क्या क्या करना होगा। इसीलिए मैं इस पूरी प्रक्रिया को बोल रहा हूं कि मैं स्टैक एडीटी बना रहा हूं। तो यहाँ पे वो प्रक्रिया कैसे हो रही है वो तो कोडिंग के द्वारा समझ में आएगी, तो वो अभी हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। इसलिए हम एक ऐसा डेटा टाइप बना रहे हैं जिसमें हम अभी पहले मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमें एक नोड बनाना पड़ेगा। अब लिंक लिस्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें, दो इन्फॉर्मेशन रखी जाएँ, एक इन्फो और दूसरा नेक्स्ट नाम का पॉइंटर। तो हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर ये दो वेरिएबल्स मौजूद हों। तो हम एक नोड नाम का डेटा टाइप बनाएंगे जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर रहेगा।
और हम इसके लिए शुरुआत में एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बना लेंगे। सेट ऑफ ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस की हम बात कर सकते हैं। नंबर वन, पहला ऑपरेशन कौन सा होगा? एक तो हमें बनाना पड़ेगा क्रिएट नोड करके, क्रिएट नोड। इस नाम से मैं एक फंक्शन बना लूंगा जो कि नया नोड क्रिएट करने के काम आएगा। दूसरा फंक्शन मुझे बनाना होगा जो कि स्टैक में डेटा को पुश करेगा, है ना? तो पुश, ये स्टैक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसी से नई वैल्यू स्टैक में इंसर्ट होती है। इसी प्रकार से एक और मुझे बनाना है पॉप नाम का, ठीक है? एक और मुझे बनाना है पीक नाम का, जिससे कि जो स्टैक के टॉप की वैल्यू है उसको मैं देख सकता हूँ, ठीक है? और ऐसे ही एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ रिमूव स्टैक, है ना? रिमूव स्टैक, ठीक है? इस तरह से मुझे कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? अब जब मैं पुश करूंगा ना, तो एक नया एलिमेंट मुझे स्टैक में रखना है, तो मुझे लिंक लिस्ट में एक नया नोड जोड़ना है, उसके लिए मुझे क्रिएट नोड की जरूरत पड़ेगी। और बाकी सारी कोडिंग तो अब आपको इसके अंदर दिखती जाएगी। तो ये मेन हम फंक्शन बना रहे हैं। इसमें भी ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए अपन कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर जो हमने सोचा है उसको बनाते हैं। हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड और इसके अंदर बना दिया इंट इन्फो और एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बना दिया नेक्स्ट नाम का, क्योंकि हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इसके अलावा एक या तो हम ग्लोबली एक पॉइंटर बना लें स्टार्ट नाम का, या फिर हम लोग जो मेन फंक्शन बनाएगा और मेन फंक्शन से इस कोड को यूज करना चाहेगा वो नोड टाइप का स्टार्ट पॉइंटर बना देगा। तो हमें अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्टार्ट पॉइंटर कौन बनाएगा, वो जो इस हमारे इस कोड को यूज करना चाहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्टैक को बना रहे हैं। अब स्टैक की जरूरत जिस प्रोग्रामर को होगी वो हमारे इस कोड को यूज करेगा, वो नोड टाइप का एक स्टार्ट पॉइंटर बनाएगा। हमें अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, क्रिएट नोड नाम का फंक्शन बनाना है जो कि नोड बनाकर क्रिएट करके दे देगा। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, नोड का एड्रेस वो रिटर्न करेगा। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि वो नोड टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। ये कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है जब रिटर्न टाइप में इस तरीके से लिखते हैं। फंक्शन का नाम है क्रिएट नोड, ठीक है? क्रिएट नोड, क्रिएट नोड फंक्शन में क्या मुझे कुछ पास करने की जरूरत है? नहीं, बल्कि ये हमको रिटर्न करके देगा। तो ये फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले तो मुझे नोड क्रिएट करने के लिए मैलॉक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है? मैलॉक को कॉल करूंगा और मैलॉक में पास करूंगा साइज। साइज किसका? ये हमारे स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है ना? इस टाइप, अब नोड टाइप का ब्लॉक कितनी मेमोरी लेगा, तो वैसे हम जानते हैं 4+4 8 बाइट्स लेगा, तो हम 8 डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से लिखा। अब मैलॉक फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो जिस पॉइंटर में हमें स्टोर कराना है वो नोड टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। तो नोड टाइप का मैंने एक पॉइंटर बना लिया एन, ठीक है? तो इसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, ठीक है? और एन के अंदर इसको असाइन करता हूँ। आप जानते हैं मैलॉक फंक्शन जो रिटर्न करता है वो वॉइड टाइप का एड्रेस होता है, यानी अननोन ब्लॉक का एड्रेस, तो उसको टाइप कास्ट करना चाहिए। तो मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने मैलॉक के द्वारा रिटर्न हो रहे एड्रेस को टाइप कास्ट भी कर दिया और एन में क्या आ चुका है, एक नए ब्लॉक का एड्रेस। तो क्या किया, क्रिएट नोड फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो वो एक नोड बना देगा, है ना? मैलॉक फंक्शन की मदद से ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और इस ब्लॉक का जो भी एड्रेस होगा ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जिसको हम एन के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो एन अभी इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब यही एन की वैल्यू मैं करा देने वाला हूँ रिटर्न। तो मैंने लिखा रिटर्न एन, तो जब जिसको नोड की जरूरत होगी वो बस इस फंक्शन को कॉल करेगा, नोड क्रिएट हो जाएगा। अच्छा,
यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, www.mysurgery.com। क्यों विजिट करना जरूरी है? क्योंकि यूट्यूब पे एक से अधिक चैनल्स हैं मेरे, और अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोज रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ वीडियोज देखना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है उनके बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कोर्स कौन सा आप देखना चाहते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, माइस्क्यूएल, जो भी आप देखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके सारे थ्योरी वीडियोस और प्रोग्रामिंग वीडियोस की लिस्ट आपको दिखाई देती है, जिस पर भी क्लिक करते हैं वो वीडियो यूट्यूब में ही ओपन हो जाता है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पे आपको देखने को मिलता है। डेली साइट पे एक नया वीडियो पब्लिश होता है, सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हो सकता है आप इसको जब देखें तो आपको लगे ये बहुत काम की, और डेली विजिट करें क्योंकि इसमें डेली एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। यदि आपको लगे कि ये वाकई बहुत काम का है, और खासतौर पर उन लोगों के बहुत काम का है जो इंग्लिश में उतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, या फिर जिनको पढ़ाई से रिलेटेड रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों के लिए इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या मौखिक रूप से भी आप लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।